मधुबनी जिले के बसैठ में 8वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने विशेष प्रयास किया है। कृषि क्षेत्र में जो भी बदलाव हुए हैं वे तकनीकों के इस्तेमाल से संभव हुआ है। मिथिला की विशेषता बताने की जरूरत नहीं, मैं प्रभु श्री राम की नगरी से जुड़ा होने के कारण मिथिला की नगरी से भी जुड़ा हुआ हूँ। मिथिला के किसानों के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि पिछले कई वर्षों से किसान संसाधन व सुविधाओं से वंचित रहे हैं। जितना इस पर ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया गया, लेकिन अब परिवर्तन हो रहा है। प्रधानमंत्री भी किसानों को लेकर गंभीर रहे हैं और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई कार्य कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए पारंपरिक खेती को आगे बढ़ाना है। पिछले कई वर्षों से रासायनिक खाद से मिट्टी की उर्वरा शक्ति और फसलों के उत्पादन में कमी आने लगी है। रासायनिक खाद के प्रयोग से क्वालिटी के स्तर में गिरावट हुई है। एक बार फिर से पारंपरिक खेती करने की जरूरत है और इसके लिए ये जरूरी है कि पारंपरिक खेती क्या है इसे समझने की जरूरत है। हवा, पानी, मिट्टी पारंपरिक खेती के मूल तत्व हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती से एक ओर जहां 27% लागत कम हो जाती है, वहीं 58% उत्पादन भी बढ़ जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि जो लोग रिसर्च करते हैं वो लोग कहते हैं। 2 लाख किसान हिमाचल प्रदेश में नेचुरल पद्धति से खेती करते हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो और प्रयास भी कर रहे हैं। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में सहयोग करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसान आत्मनिर्भर होंगे तो विकसित होंगे, और जब वे विकसित होंगे तब देश भी विकसित होगा। हमें विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम करना चाहिए। वहीं पूर्व सांसद हुक्मदेव नारायण यादव ने कहा कि मिथिला की धरती विदेह की धरती रही है और प्रभु श्री राम की धरती देह की धरती रही है। जब कोई विदेह से आकर देह में मिल जाता है तब व्यक्ति महान हो जाता है। उन्होंने क्षेत्र के किसानों को आधुनिक तकनीक पर आधारित खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित करने पर बल दिया, जबकि हुक्म सिंह मीणा ने कहा कि मिथिला की धरती मिलेट्स के लिए जानी जाती है। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के नाते अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन कैसे प्राप्त किया जाए इसे समझने की जरूरत है। पीएम का सपना है कि हर संस्था आत्मनिर्भर हो और ये संस्था इस मामले में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटा हुआ है। ये सराहनीय है, जिसका उदाहरण यह है कि इस संस्था के द्वारा 7000 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। देश की उत्पादकता को बढ़ाकर ही हरित क्रांति लाई जा सकती है। लैब से ग्राउंड तक तकनीक को पहुंचाना अहम है। वहीं रूस से आए इवोनी पासनिक ने रूस और भारत के सहयोग से किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को MSME के महानिदेशक बलराज सिंह, राजस्थान से आए नेपाल के कृषि सचिव डॉक्टर योगेंद्र कार्की, जोधपुर से आए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के VC अजय कुमार वर्मा, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति लक्ष्मी निवास पांडे, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य संबित तिवारी और अन्य वक्ताओं ने भी मिलेट, मरुआ, सामा, कोंदो, कौनी सहित पुरानी फसलों को आधुनिकतम तकनीक से खेती कर हरित क्रांति लाए जाने की बात कही। अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। संत कुमार चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र मधुबनी, इन दोनों द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी सम्मिलित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह कार्यक्रम आज, कल और परसों, ऐसे 3 दिन होने वाला है और इन 3 दिनों में अलग अलग विषयों पर यहाँ विमर्श होगा, चर्चा होगी, चिंतन होगा और आप कुछ यहां से लेकर जाएंगे। ऐसे इस विशेष कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ बैठे हैं, जिनका हमने अभी अभी उद्बोधन और मार्गदर्शन सुना, ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण से सम्मानित आदरणीय श्री हुकुमदेव नारायण जी, चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट और कृषि विज्ञान केंद्र के चेयरमैन डॉक्टर संत कुमार जी, MSG ग्रुप रशिया से मुख्य कार्यपालक श्री योगेनी पासनाई पासनियक जी,
हमारे LMNU विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे जी, श्री हुकुम सिंह मीणा चेयरमैन ESIC सिलेक्शन कमिटी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ऐसे सभी यहां महानुभाव बैठे हुए हैं। सामने मंच के सामने बैठे हैं यहाँ के DM साहब, यहाँ के SP साहब, अन्य सभी अधिकारी महानुभाव, मेरे किसान बंधु और यहाँ अन्य सभी उपस्थित बहनों और भाइयों। मैंने यहाँ आते ही मंच पर अभी बोलने के लिए आ रहा था तो मैंने घड़ी देखी कि मुझे कितनी देर बोलना है यहाँ। आप सबको तो भूख लगी होगी ना, मुझे भी भूख लगी है, तो हम समदुखी हैं एक दूसरे के लिए और मैं इसीलिए आपका दर्द समझ सकता हूं और थोड़ी ही समय में मेरी बात रखने का प्रयास करूंगा। यहां आज और कल और परसों जो कार्यक्रम होने वाले हैं हम सबके लिए विशेष है। डॉक्टर संत कुमार जी ने एक विशेष प्रयास यहां किया है कि कृषि क्षेत्र में जो भी कुछ बदलाव आ रहे हैं, जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को, उस बदलाव को हम सबके सामने रखें और हमारे इस इलाके के, मिथिला के सभी लोग इसको अपनाएं। मिथिला नगरी जो है इसकी विशेषता मैंने आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु रामचंद्र से जुड़ी हुई यह नगरी, जिसका अभी प्रभु रामचंद्र अपने आवास में रहने के लिए 22 जनवरी को गए, तो स्वाभाविक रूप से मिथिला को भी आनंद होगा। और आप सब ऐसे भाग्यशाली लोग हैं और मैं भी खुद को भाग्यशाली समझता हूं, मानता हूं कि बिहार में रहने के कारण, बिहार का राज्यपाल बनने के कारण, दूर से क्यों ना हो लेकिन प्रभु रामचंद्र की अयोध्या नगरी से मैं भी आपकी तरह जुड़ा हुआ हूं। मेरा सद्भाग्य है, सौभाग्य है। ऐसे इस मिथिला नगरी में किसानों के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, ऐसी एक सोच लेकर पिछले कुछ वर्षों से मेरे मित्र डॉक्टर संत कुमार जी यह एक प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयासों का फल भी हमको आज दिखने को मिल रहा है। हमारे इस देश में किसानों की बहुत बड़ी बड़ी सराहना होती है, हम उनको सहारते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत कम काम होता है। हमेशा इस देश की अर्थव्यवस्था जो है आर्थिकी है, हम भाषणों में सुनते हैं हमारे नेताओं के कि हमारा किसान है हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और वो मजबूती से रीढ़ बननी चाहिए, लेकिन पिछले कई वर्षों से किसान हमारे दुर्लक्षित रहे हैं। उनके यहां जितना आवश्यक था उतना ध्यान हमने कभी भी नहीं दिया, यह भी वास्तविकता है। इसको हमको समझने की जरूरत है क्योंकि किसान हमारे रीढ़ है, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि की अर्थव्यवस्था है।